Hello students, let's continue our topic safe environment. Okay, आपने अपने previous video में 5 points clear कर लिए थे safe environment के. अब जो next 5 points हैं उन्हें आज हम clear करेंगे. So आपका 6th point है cleanliness is mandatory to make the environment safe. हमारे environment को safe रखने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? Cleanliness. अगर आप चारों तरफ साफ सफाई रखोगे तो हमारा environment भी सेफ रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा. सो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्लीनलीनेस, चारों तरफ साफ सफाई रखना. सो आपकी फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है कि आप क्लीनलीनेस पे, आप अपने स्कूल में हैं, आप अपने क्लासरूम को क्लीन रखिए, ठीक है. आप घर पे हैं, आप जिस रूम में बैठे हो आपको उस रूम को क्लीन रखना चाहिए. आप किचन में काम कर रहे हो तो आपको किचन को क्लीन रखना चाहिए. सो आप जहां भी हैं अपने आसपास के जो प्लेस होते हैं, अपने आसपास की जो जगह होती है उसे क्लीन रखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है वी शुड ग्रो मोर ट्रीज टू मेक आवर एनवायरमेंट ब्यूटिफुल. हमें अपने एनवायरमेंट को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए. आप चारों तरफ देखते हो जो बहुत सारी ग्रीनरी होती है उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट कितना सुंदर लगता है ना. तो अपने एनवायरमेंट को सुंदर बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, है ना. प्लांटेशन जो होती है, पेड़ पौधे जो लगाते हैं उसकी वजह से ग्रीनरी होती है और ग्रीनरी की वजह से चारों तरफ का जो माहौल होता है वो काफी सुंदर दिखाई देता है, ठीक है. तो अपने एनवायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट के लिए एनिमल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जस्ट बिकॉज ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सभी किसका पार्ट है? एनवायरमेंट का. तो अगर हम सभी एनवायरमेंट का पार्ट हैं, हम सभी एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम सभी की ड्यूटी बनती है और हम सभी का उसमें कोई ना कोई पार्ट होता है उसे क्लीन रखने में. सो एनिमल्स भी हमारे एनवायरमेंट को सेफ रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? बिकॉज दे गिव अस मिल्क एंड मीट. जो एनिमल्स होते हैं वो हमें, एनिमल्स हमें क्या मिलता है? मिल्क एंड मीट. जो दूध और मांस होता है वो हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट प्रॉपरली. हमें अपने एनवायरमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. आप आसपास, आप मार्केट जा रहे हो, आपने इधर उधर कचरा गिरा दिया. आप स्कूल में हो तो आपने अपने स्कूल में क्लासरूम को गंदा कर दिया, कॉरिडोर में गंदगी फैला दी है, तो इसकी वजह से आप भी अनहेल्दी रहेंगे, आपका आसपास का जो माहौल, आपके आसपास की जो जगह है वो भी साफ सुथरी नहीं रहेगी. इसलिए अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखने के लिए आप सभी को स्टेप उठाने चाहिए और अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए. सो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द 10 sentences ऑफ सेफ एनवायरमेंट. बट बिफोर स्टार्ट दिस आई वॉन्ट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस. ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आंसर्स आपको मुझे बताने हैं. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी विच थिंग्स आर कंसिस्ट इन आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? यस, द राइट आंसर इज ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो इंसान है, जानवर है और पेड़ पौधे हैं वो हमारे एनवायरमेंट को बनाते हैं. सो योर आंसर इज एन एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग मेक अवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल. हमारे एनवायरमेंट को कौन सी चीज़ें सुंदर बनाती हैं? गिव मी आंसर स्टूडेंट्स. यस, द राइट आंसर इज ट्रीज एंड प्लांट्स, है ना. प्लांट्स एंड ट्रीज जो होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट को सुंदर बनाती हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए. लास्ट क्वेश्चन है हु इज ड्रैगन फॉर आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट के लिए ड्रैगन कौन होता है जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है? योर आंसर इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज लाइक अ ड्रैगन फॉर आवर एनवायरमेंट. ओके, सो ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो जो आपके टॉपिक से बनते हैं, आपको अपने टॉपिक को क्लियर करना चाहिए जिससे अगर आपसे, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको उनका आंसर पता हो. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द 10 sentences. एनवायरमेंट इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी.
एंड एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स. अ गुड एनवायरमेंट इज एसेंशियल्स टू स्पेंड अ हैप्पी लाइफ इन दिस वर्ल्ड. पॉल्यूशन इज लाइक अ ड्रैगन फॉर अवर एनवायरमेंट. वी आर मेकिंग अवर एनवायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी टू लीव. Cleanliness is mandatory to make the environment safe. We should grow more trees to make our environment beautiful. Animals are also very important in our environment. They give us milk and meat. We should take care of our environment properly. So that's all for today. Thank you so much. Have a good day.